पूरन वाले की। एक राजा और हुए, उत्तान पाद के घर में देखो वो सुरुचि सुनीति दो रानी, और जाने ध्रुव जंगल में भेज दो कोई ऐसी रची कहानी कहानी। सो भगत जी दूसरी शादी तुम मत करियो। ओ भगत जी, अरे दूसरी शादी तुम मत करियो। अरे हरेंद्र भैया समझ हवे, और दो नारी का पति कभी ना सुख से रहने पावे। आप भी काशी शहर से विप्र बुलाए कथा देव बैठार, और आमे विप्र वेद को बांचे वेदन में ढूंढे लाल। आपके और हमारे कर्म की रेखाओं को वो ब्राह्मण देखेंगे तो हमारा तुम्हारा नाम आगे के लिए चलेगा। राजा जेवर सिंह कहने लगे, ठीक है रानी, हम ऐसा ही करेंगे। काशी शहर से विप्र बुला करके कथा बैठवा दी। ब्राह्मण आते हैं, इधर से उधर वेदों को पलटते हैं, पर लेकिन राजा के कर्म की कथा को कोई नहीं बताता है कि राजा तेरे भाग में संतान हो जाएगी या नहीं। देखो भैया, पहले तो एक एक रुपया की लग रही छाप, और अब आएंगे 10 पैसों पे। 10 पैसा भगत जी और 10 रुपए, 10 पैसा बरेली वारी। जहरवीर महाराज के चरण में दाम दे रही है। आज राजा जेवर सिंह ब्राह्मण से पूछते हैं, ब्राह्मणों, अरे जो वेद कहे तुमसे, तुम कहो हमसे, आप क्यों नहीं बताते हो कि तुम्हारे भाग में संतान होगी या नहीं। तो उनमें एक बूढ़े से ब्राह्मण खड़े हो गए। बूढ़े से ब्राह्मण कहने लगे, राजन तेरे भाग की रेखाओं को तो हम देखेंगे। भैया हुआ क्या? राजा ने, राजा के लिए ब्राह्मण ने बता दिया कि राजन तुम्हारे हाथों से पाप हुआ है, हिरनी का वध हुआ है। वही हिरनी वाली बात राजा के लिए बता दी। राजा जेवर सिंह फूट फूट के रोने लगे। तब तो ब्राह्मण कहते कि अरे राजन तूने हर काम किया पर लेकिन एक काम नहीं किया। और बोले, अरे ना राम ना मलियो हाय तन भरी जवानी में। दोनों हाथ उठाकर के ताली बजा करके बोलो, अरे ना कृष्ण ना बलियो बलियो, अरे तने भरी जवानी में। ताली बजाते हुए, हाय तू डूब के मर जा रे चुल्लू भरे पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भरे पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भरे पानी में। ना कृष्ण ना मलियो ना राम ना मलियो भरी जवानी में। झंडे वाले हाथ दोनों ऊपर, जो कछुआ जैसे मत करो, जो करके कछुआ जैसे कर ले कहा तुमने। चलो ऊपर करो दोनों हाथ, किराए पे लेके आई हूँ आतन ने। हाय तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अरे मिल जाएगो माटी में, अरे कहलायो आटी में,
मिल जाएगो काटी में। इनके मुंह से आवाज सुनना, माटी में अगर लड़ाई है जाए ना तो लंबे लंबे हाथ ने फेंक के मां छुए तक आवाज। अरे कहलाए हो आटी में मिल जाएगो माटी में। अब देखो कर रही है, चलो तुम बोल के दिखाओ कर रही थे फिर। अरे कहलाए हो आटी में, अरे मिल जाएगो माटी में। देख लो है क्या ना है? आटी में मिल जाएगो माटी में, कहलायो आटी में मिल जाएगो काटी में। अरे सुंदर सी काया तेरी कस जाए काटी में, ये सुंदर सी काया कस जाएगी काटी में, तेरी सुंदर सी काया कस जाएगी काटी में। कुछ कमाए नहीं पायो, कुछ कमाए नहीं पायो, कुछ कमाए नहीं पायो सारी जिंदगानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। करता मेरा मेरा यह कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यह कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यह कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होएगा भैया तेरा बरघट में डेरा, एक दिन होएगा भैया तेरा बरघट में डेरा, एक दिन होएगा भैया तेरा बरघट में डेरा। पानी का बबूला है, पानी का बबूला है, पानी का बबूला है, अरे मिल जाएगा पानी में। इंसान केवल पानी का बबूला है, इंसान की जिंदगी जब तक चलती रहे तो चलती रहे, और जैसे ही पानी का बबूला फूट जाता है ऐसे इंसान की जिंदगी रुक जाती है। सांस की जो माला है वो टूट जाती है, और शमशान में ले जाने के बाद में और उसे राख को भी इकट्ठा करके कहां गंगा जी में ले जाते हैं। पानी का बबूला है मिल जाए वो पानी में, और तू डूब के मर जा रे मरने के लिए तैयार हो गए। इधर भगवान विष्णु का सिंहासन हिलने लगा, भगवान विष्णु कहने लगे नारद जी आप मृत लोक पर जाओ, और ये राजा जो बिना मौत के मर रहा है उसके प्राणों को बचाओ। नारद जी कहने लगे महाराज ठीक है मैं जाता हूं और उस राजा के प्राणों को बचाता हूं, और उसे ऐसे धर्म रास्ते पर डाल करके आऊंगा कि वो धर्म रास्ते से कभी भटके नहीं। आज नारद जी अपने हाथों में बीड़ा लेकर के और चल दिए, और नारद जी जहां कहीं भी जाते तो अपने मुख से एक ही बात कहते थे, और क्या कहते वो अरे श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायणी नारायणी नारायण हाँ, नारायण 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 हाँ, नारायण 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 राधे।
जो नारायण नाम ले तो है, जो नारायण नाम ले